गाइस, मैं हूँ सिरमौर में, हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पे है कुछ रास्ते इस तरह के। और मैं गाड़ी लेके आया हूँ यहाँ पे अपनी स्विफ्ट डिज़ायर, जो कि 2020 का मॉडल है। तो आप देख सकते हो इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस तो इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन मैं एक ब्लॉग बनाने वाला हूँ जिसमें मैं इस गाड़ी को लेके जाने वाला हूँ तकरीबन इन पहाड़ों में 150 किलोमीटर अप्रोक्स। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो मिट्टी है गाइस, वो लाल मिट्टी है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन चील के पेड़ों को देखकर कि मैं इस टाइम कहाँ पे और कैसी जगह पे हूँ। यहाँ पे गाइस घर तो ना के बराबर है, मीन्स आप यहाँ की आबादी का आप अप्रोक्स लगा लो तकरीबन 1000 से 1500 के बीच में। इस पूरी जगह में गाइस इतने यहाँ पे इंसान होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि मैं तकरीबन 6 किलोमीटर पैदल ट्रैवल करके आया हूँ और मुझे यहाँ पे कोई नहीं मिला। अब आइए चलते हैं आगे इस डिज़ायर में। सो गाइस, मैं डिज़ायर में बैठ चुका हूँ और मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली है। और आइए अब चलते हैं, पहले गाड़ी को बैक करते हैं क्योंकि मुझे जाना है पीछे की तरफ। राधा स्वामी बाबा जी, जो ये देखिए पीछे रास्ता कैसा है, लेकिन हमने इसको बैक करना है, गाड़ी को तो करना है, थोड़ी सी पीछे लेंगे। रिस्क तो गाइस बहुत है यहाँ पे, लेकिन अब आए हैं तो वापस भी तो जाना है, कैसे भी जाना है। अब ये देखिए यहाँ तक मैं इस गाड़ी को लेके आ चुका हूँ, मिरर में आप देख सकते हो, मुझे ऊपर जाना है अब यहाँ से। तो ये मैं गाड़ी को टर्न कर रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे खाई खोद दी गई है। अगर गाइस आपका थोड़ा सा भी ड्राइविंग में हाथ तंग है, थोड़ा सा भी, तो इधर तो कभी मत आना, क्योंकि ये देखिए गाइस, मैंने गाड़ी को मोड़ लिया है। अब मैं सबसे पहला जो काम करूँगा वो करूँगा मैं मिरर को अप करूँगा, लेकिन अभी कोई फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है खास। तो आप ये रास्ते देख सकते हो, ये डिज़ायर के तो बिल्कुल नहीं बने रास्ते, लेकिन ये रास्ता कच्चा है लेकिन प्लेन है। तो ये ब्लॉग इसीलिए शूट कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको डिज़ायर की पावर दिखा सकूँ मैं, मारुति सुजुकी डिज़ायर। तो चल रहा हूँ मैं, बस ऐसे कुछ रास्ते हैं। तो आगे की गाइस वीडियो में कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि मेरे साथ कोई है नहीं, तो रास्ते तो आप देख ही रहे हो, तो इन रास्तों में थोड़ा ध्यान से चलना पड़ता है, क्योंकि आपको पता ही है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आगे का ब्लॉग में आगे मेन रोड पे जाकर, जो कि एक लिंक रोड है पिंजौर से, जो कि एक नेशनल हाईवे तो नहीं है लेकिन एक लिंक रोड है, तो वहाँ से वीडियो को मैं कंटिन्यू करूँगा। वैसे तो एक हाथ से मैं चला ही लूँगा, गाड़ी को दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ा मज़ा आ रहा है। ऐसी वीडियोस गाइस आपने बहुत कम देखी होगी, थार की ऑफ रोडिंग देखी होगी आपने, एस्प्रेसो की देखी होगी, या फिर बड़ी बड़ी गाड़ियों की देखी होगी, लेकिन एक सेडान की ऑफ रोडिंग आपने कैसे देखनी है। तो आप ये देख सकते हो, शीशे के ऊपर गाइस धूप पड़ रही है, इसलिए थोड़ा क्लियर विजन नहीं है, फिर भी काफ़ी अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। और ये आ चुका है गेट, जो कि यहाँ की एक लैंडमार्क है। तो यहाँ से मैं अब दूंगा यहाँ पे हॉर्न, अब यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे चार रास्ते हैं, एक ये, एक ऊपर की साइड, एक ये जो नीचे गया, और एक जो मैं पीछे से आया हूँ। तो मैं जाऊँगा स्ट्रेट। ऐसा हुआ है, पहला बंदा मुझे दिखाई दिया है यहाँ पे ना, सिर्फ एक सिंगल पर्सन, जो कि अब मुझे शीशे में से देख रहा है। तो ये बंदा कौन सी गाड़ी देखकर कहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे तो गाइस जो गाड़ियाँ हैं ना, वो अप्रोक्स जो मैंने देखी हैं, महिंद्रा की पिकअप्स एंड ऑल्सो जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं जिनकी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा,
तो यहाँ पे तो गाइज वो गाड़ी को खरीदता नहीं, बल्कि पिकअप यहाँ पे बहुत है। अगर यहाँ पे कोई शादी वगैरह भी होती है तो वो लोग पिकअप में ही सफ़र करते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लग्जरी गाड़ियों का तो कुछ है ही नहीं। स्विफ्ट डिज़ायर अब मेन रोड पे पहुँचने वाली है, क्योंकि वो लैंडमार्क आ चुका है जो मुझे हमेशा याद रहता है यहाँ पे। तो एक तो बात अच्छी हुई है कि गाड़ी नीचे कहीं भी टच नहीं हुई, अगर होती तो बुरा हाल होता है यहाँ पे। टच इसलिए नहीं हो रही क्योंकि रास्ता साफ है, और यहाँ पे जो पेड़ हैं गाइस बहुत ही मज़ा आ रहा है इनको देखकर। तो अगर आपने ऐसी ड्राइविंग करनी है, अगर आप ही चाहते हो तो आप ही यहाँ पे आ सकते हो। मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ यहाँ का, सिरमौर ज़िला है। तो आप चंडीगढ़ अगर पहुँचोगे, चंडीगढ़, चंडीगढ़ से पिंजौर, पिंजौर से आप रोड जाती है सराहां, सराहां रोड, तो वहाँ पे आपको रास्ते में एक गांव मिलेगा जिसका नाम है क्लो। क्लो से एक लिंक रोड है लेफ्ट में, आपको दिखा दूंगा बोर्ड भी उसका, मैं आने ही वाला है। तो चाकली, चाकली निकलेगा वो, चाकली तक ये रास्ते जाता है, उसके आगे तक जाता है नैना टिक्कर तक। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, मेन रोड तो गाइज आने ही वाली है। सोचो गाड़ी में ही इतना टाइम लग रहा है, 10 मिनट अप्रोक्स हो चुके हैं, और किलोमीटर्स तो मैंने भी चेक किए नहीं है। और जब मैं चला था मैंने उस टाइम भी ध्यान से नहीं देखा कितने किलोमीटर पे मैं चला था, लेकिन मेरे पास वीडियो, मैं घर जाके देखूंगा ज़रूर। तो क्या करें, अब चलना तो पड़ेगा ही। काफ़ी गंदे रास्ते हैं लेकिन साफ है, गंदे भी नहीं है साफ भी नहीं है, लेकिन रास्ता तो गाइज रास्ता है, रास्ता ही तो इंसान को उसकी मंजिल तक पहुँचाता है। तो वो मुझे लिंक रोड दिखाई दे चुका है गाइज, वहाँ पर लिखा है प्रेम नगर 12 और नया गांव 5 किलोमीटर्स। और ये देखिए, ये थोड़ा सा रास्ता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भी हमारी गाड़ी टच नहीं करेगी, क्योंकि मैं ड्राइवर नाइट राइडर। तो यहाँ से ये लिंक रोड स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे एक गाड़ी दिखाई दी, तो ये आगे गाइस लिंक रोड। तो आपको मैं अब बोर्ड दिखाऊंगा, आपको वहां तक आना है, पिंजौर, चंडीगढ़ से पिंजौर और पिंजौर से सराहां रोड। तो आप इस रोड पे आ ही जाओगे, तकरीबन वहां से 48 किलोमीटर है। बीच में रोड गाइस यहां पे जो है वो बन चुका है, और बीच बीच में यहां पे जो कार्य प्रगति में है, लेकिन फिर भी जाना तो पड़ेगा ही घर। मैं जा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश वाया हरियाणा पंजाब। तो ये है वाइज वो बोर्ड जिसकी मैं आपके साथ बात कर रहा था। बाकी मैं पूरे रास्ते की क्लिप्स अब वीडियो में लगाने वाला हूँ आगे, छोटी छोटी क्लिप्स। तो ये है वो गाइज क्लो, और ये रहा यहाँ का बस स्टैंड छोटा सा। और अब मैं थोड़ा ड्राइव करता हूँ क्योंकि काफ़ी दूर जाना है, तो बाकी वीडियो में बनाऊंगा रास्ते में थोड़ी थोड़ी क्लिप्स। गाइज इस टाइम मैं रुका हूँ आपको दिखाने के लिए, उस पहाड़ से मैं यहाँ तक आया हूँ, सारा क्रॉस करके अप्रोक्स 15 to 20 किलोमीटर्स अप्रोक्स। और अब मेरे सामने ये दो रास्ते हैं, ये अब चलते हैं। रास्ते आप गाइस देख ही रहे हो हिमाचल सिरमौर ज़िले के। तो ये एक घर मिला है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पत्थर और वो है एक स्कूल आगे, ये मेरे लेफ्ट में एक स्कूल है। इलेक्शंस की जो वोटिंग होती है वो यहीं पे होती है, और इसका नाम है नया गांव, और काफ़ी खूबसूरत ये जगह है, आप देख सकते हो। तो आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। ये आगे यहाँ की चेक पोस्ट, फॉरेस्ट चेक पोस्ट निया गांव। और यहाँ से आई थिंक ये है।
गाइस रास्ते मुझे भैया मिले यहाँ पे, तो अब हम यहाँ पे खाएंगे आइसक्रीम। अनएक्सपेक्टेड था ऐसी जगह पे आइसक्रीम मिलना, आइसक्रीम का किसी इंसान का भी मिलना, लेकिन फिर भी यहाँ पे मुझे भैया मिले हैं। भैया नमस्ते कर दीजिए। नमस्ते। तो मेरी YouTube फैमिली, आपका क्या नाम है भैया? आपका अजय। अजय नाम है इनका। तो ये यहाँ पे सिरमौर में रहते हैं, तो यहाँ पे मैंने गाड़ी पार्क करी है। रास्ता क्योंकि ऐसा ही है तो पार्क भी कहाँ पे करूँ, तो वहीं पे रोकती मैंने गाड़ी। तो यहाँ पे भैया से मैं लूँगा आइसक्रीम 10 रुपये वाली, जो हम बचपन में खाते थे 2 रुपये में। थैंक यू भैया। तो ये मैं गाइस आइसक्रीम खा रहा हूँ और भैया को बोलता हूँ बाय बाय भैया। बाय बाय। तो यहाँ पे लिखा है चंडीगढ़ 35। चंडीगढ़ 35 प्रीतनगर 1 किलोमीटर। तो आगे चलते हैं।